अच्छा ठीक है, तो चने में क्या किया जाए सर? चना अभी आपको लगता है कि ट्रेड के लिहाज से ठीक है? जुलाई चना अट्रैक्टिव है, 500 के आसपास मैं इसमें पोजिशनली बाइंग प्रेफर करूंगा। 5500 का मेरा लक्ष्य रहेगा, स्टॉप लॉस 5100 का रहेगा, क्योंकि जो आयात जकात की बात है, आयात ड्यूटी कट की, वो ड्यूटी जीरो हो जाए तो भी पड़ता नहीं बैठ रहा। ओके ठीक, क्योंकि दाम बहुत बढ़े इसको लेकर बहुत चर्चा हुई, बहुत डिमांड हुई, दाम कैसे कम किए जाए। सरकार ने भी अलग अलग तरह से बैठकें की, इसके ऊपर सरकार की नजर है, हाल में कुछ दाम कम भी हुए हैं। क्या लगता है सोया तेल में क्या किया जाए? क्योंकि ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा पीक आउट हुआ है ओवरऑल एडिबल पैक में, आई थिंक सीपीओ सोया ऑयल सब में एक टॉप दिखाई दे रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि करेक्टिव मूव जो है वो कंटिन्यू रहे। सोया ऑयल में हमें लग रहा है कि जून का जो वायदा है वो अराउंड 1340-1350 तक आ सकता है, इवन जुलाई माइट कम डाउन टू 1320 और लेवल्स। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से कोई भी उछाल आता है, हमने देखा है कि 1425 के आसपास जाके वहां से एक करेक्टिव मूव आ रहा है, तो वो एक सेलिंग जोन हो चुका है सोया ऑयल में। 1450 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और इमीडिएट टारगेट जो है वो 1340 तक है। ठीक है ओके, तो ये राय हो गई आपकी सोया ऑयल पे। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी।